बीजेपी में हर तरफ एबीवीपी का जलवा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और हाल ही में सीएम पद पर काबिज हुए विष्णुदेव साय, भजनलाल शर्मा व मोहन यादव, इनमें से सभी नेताओं ने छात्र जीवन की राजनीति के दिन आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के साथ बिताए हैं। एबीवीपी भाजपा और आरएसएस नेताओं का एक ठोस आधार है, इसीलिए अक्सर इस मुद्दे पर कई बार कहा जाता है कि बीजेपी एबीवीपी वालों के लिए प्लेसमेंट सेल है। बीजेपी में कई ऐसे नाम हैं जिनका ताल्लुक कभी ना कभी एबीवीपी से जरूर रहा है। इस फेरिस्त में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, गजेंद्र शेखावत, वी मुरलीधरन सहित लगभग एक दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी इस सूची में शामिल है। वहीं कई ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिनका एबीवीपी कनेक्शन काफी पुराना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हाल ही में नियुक्त हुए भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सहित कई प्रदेश प्रमुखों की राजनीतिक शुरुआत भी एबीवीपी से ही हुई है। शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, विजय रूपाणी, तीरथ सिंह रावत और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई पूर्व सीएम भी एबीवीपी से ही हैं। एबीवीपी के बढ़ते प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि छात्र संगठन छात्र जीवन के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है और यंग माइंड्स को अनुशासन सामाजिक जीवन के बारे में प्रशिक्षित करता है, जो समाज के लिए काम करने को बढ़ावा देता है। यह लोगों को चुनाव लड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। संघ के कई अन्य संबंध संगठन आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में बीजेपी सहित भारतीय राजनीति में लगातार एबीवीपी का बढ़ता प्रभाव देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।